गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं मोनालिसा उड़ीसा से आई। आप सभी को मेरे गार्डन में स्वागत है। और अभी शाम का टाइम है, सबसे तो पहले हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं थोड़ा बहुत जो भी हार्वेस्टिंग मिल रहा है। और ये देखिए, तोरी अभी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। सबसे पहले इसी का हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये साइड में जो छोटे छोटे तोरी दिख रहे हैं, ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ लेने वाले हैं। ये देखिए, और ये अगर बन गया है और इसका साइज देखिए कितना बड़ा है, काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है। और बहुत सारे लगे हैं, इसके बाद मुझे एक साथ बहुत सारे हार्वेस्टिंग मिलने वाले हैं। और ये नेट में लटका हुआ है, ऊपर भी देखिए एक साथ तीन चार वो दिख रहे हैं। और आसमान अभी हल्का बादल बादल सा है पूरा दिन। आज थोड़ा सा, बहुत दिन के बाद आज थोड़ा सा धूप निकला और पेड़ पौधे भी रिलैक्स फील कर रहे होंगे, क्योंकि इतना दिन और इतना तेज़ बारिश के साथ अभी थोड़ा सा धूप निकला है। और तोरियों का फूल का नज़ारा देखिए कितना प्यारा लग रहा है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और ये काला काला बादल के पास ये येलो कलर का तोरी फ्लावर, और साथ ही में इस साइड में एक ड्रैगन फ्रूट भी है, इसका भी हार्वेस्टिंग करके ले लेते हैं, क्योंकि ये पूरा पक चुका है। और ये देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ है, काफ़ी टेस्टी और हेल्दी ग्रोथ है और काफ़ी मीठा लगता है। और ये देखिए कितना बड़ा ग्रोथ है। और चिंटू आ गया है आज गार्डन में। चिंटू का हल्का बुखार है, साथ में खांसी जुखाम भी है। और हाय बोलो। हाय। और चलिए फ्रेंड, आज कुछ नया लगाएंगे। और एक हार्वेस्टिंग है, उसको भी ले लेते हैं। चिंटू उधर से तोरी का हार्वेस्टिंग करके ले आओ, वो जो बोला काटने के लिए लाए हो, काटने वाला पहले ले आओ। और ये देखिए, आप सभी को चिंटू अभी हार्वेस्टिंग करके दिखाएगा तोरी। ये लगा है तोरी, पहले दिखाओ तोरी का साइज कैसा है, काफ़ी मोटा है। हाँ काटो काटो। और कद्दू का फूल भी अभी 5-6 रोज खिल रहे हैं। और इनका पकौड़ा काफ़ी टेस्टी लगता है, अभी तक तो फीमेल फ्लावर कद्दू में नहीं नज़र आया। और ये देखिए, ये इस साइड वाला ये तोरी का प्लांट का वो तोरी है। और ये देखिए और भी लग रहे हैं। और जैसे ही बारिश का पानी मिलते जा रहा है, तोरी का ग्रोथ अपना आप चल रहा है। मैं सोच रही थी इनको निकाल दूं, लेकिन ये फिर से फ्रूटिंग पे आ गए हैं, तो चलो कुछ दिन और सही इसको रख लेते हैं। और ये रही हमारी आज की हार्वेस्टिंग फ्रेंड। और इतना दो तोरी और एक ड्रैगन फ्रूट का भी हेल्दी ग्रोथ है। और ये न्यू पौधा देखिए चिंटू पकड़ा है, ये फूल गोभी का पौधा है। और इसको अभी हम लगाएंगे, शाम का टाइम है, हस्बैंड ऑफिस से आते टाइम उनको मिल गया कहीं से। और ये ऐसे बांध के वो लोग देते हैं। और ये सबसे पहले शायद हमें मिला, कोई कोई लगाया होंगे फूलगोभी, और उन्होंने 5-6 पौधा दिया है। हाँ 6 ही है, टोटल 6 पौधा है, मतलब 2 कंटेनर आएगा, एक कंटेनर यहाँ पर हम लगाएंगे। और ये मिट्टी बारिश के टाइम में भरा हुआ था, अभी इसमें कोई मतलब धूप वगैरह नहीं दिखा है, ऐसे ही लगाना है, क्योंकि अभी धूप दिखाना बहुत मुश्किल होगा। धूप इतना कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए आता है, 1-2 घंटा। ऐसे में आप कंटेनर खाली करके मिट्टी डालो, फिर काफ़ी मुश्किल होता है, बीच में फिर बारिश भी आ जाता है। और इसीलिए अभी धूप दिखा नहीं सकते, इसी मिट्टी में थोड़ा सा खाद वगैरह डाल के। ये बहुत दिन रेस्ट भी किया मिट्टी, कम से कम 10-15 दिन या 20 दिन ऐसे कंटेनर खाली रहा। अभी यहाँ पर 3 लगाएंगे, यहाँ पर 1 लगाएंगे, रुको थोड़ा सा गोबर का खाद ये मेरे देखिए, इसको 1-2 मुट्ठी एक एक जगह पर डाल देते हैं। और
और ये लग गया फर्स्ट हमारा गोभी का पौधा। अभी सेकेंड यहाँ पर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे, तीन एक कंटेनर में आराम से आ जाएगा, लेकिन तीन से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये मेरा गोबर का खाद है पहले से सूखा के जो रखे वो वही वाला। और ये तीसरा तीन लग गया यहाँ पर और एक जगह पर लगाएंगे। डाल दो पानी, डाल दो, अभी चिंटू पानी डाल रहा है। देखिए और यहाँ पर भी वैसे ही तीन पौधा लगाएंगे। पर भी सेम टू सेम तीन गड्ढा कर लिया और ये मिट्टी को खाद के साथ मिक्स कर देंगे। दो दो मुट्ठी खाद दे दिया है। और ये एक जगह पर तीन ही लग सकता है, तीन से ज़्यादा लगाओगे तो फिर इसका फ्लावर, ये फूल गोभी का पौधा है, फ्लावर इतना अच्छा नहीं आएगा, फूल का साइज छोटा हो जाएगा इसका गोभी का। और अभी काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से तीन लग गए हैं। और चिंटू आप सभी को दिखा रहा है तीन पौधे कैसे लगे हैं। इतना डिस्टेंस में आप एक कंटेनर में तीन पौधा लगा सकते हो फूल गोभी का, फूल गोभी हो चाहे पत्ता गोभी हो। इससे ज़्यादा लगने से क्या होता है, काफ़ी घना हो जाता है और फ्रूटिंग इतना अच्छा नहीं जाए। जो फूल गोभी या फिर पत्ता गोभी आएगा उसका साइज छोटा पड़ जाएगा। मैं पिछले बार चार लगाई थी तो इतना अच्छा नहीं आया और इस बार इसलिए तीन लगाए। और ये देखिए चिंटू दिखा रहा है आप सभी को अपना हार्वेस्टिंग। दो तोरी है और एक ड्रैगन फ्रूट है, कम से कम 250-300 ग्राम का ड्रैगन फ्रूट हो जाएगा। और आज के लिए फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल का आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बाय।